इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मयंक जैन ने शाही ईदगाह में अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा काशी की तर्ज पर सर्वे का आदेश मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में कर दिया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या है, कि कैसे शुरू हुआ शाही ईदगाह और कृष्ण जन्म स्थान के विवाद का मामला, और कब सबसे पहले मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। आज हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि मथुरा में भी काशी की तर्ज पर जो सर्वे है उसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी और इसके लिए कमिश्नर भी नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जन्मभूमि का जो विवाद है वो अभी से नहीं बल्कि कई सौ सालों से चला हुआ आ रहा है, और आज हम ये जानेंगे कि आखिर कब शुरू हुआ जन्मभूमि का ये विवाद। तो मेरे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण जी, जो कि इस मामले में इतिहासकार हैं और काफ़ी जानकारी लगते हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज ये जो फैसला आया है हाईकोर्ट का, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और ये जो विवाद है ये आखिर शुरू कब हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि मुगल आक्रांताओं ने करीब 3 से 4 बार इस मंदिर को तोड़ा, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। देखिए, ये आज जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है इस विवाद में कि सर्वेक्षण कराया जाए, इसका तो हम सभी लोग स्वागत करते हैं। सर्वेक्षण होना चाहिए, ये एक न्याय की प्रक्रिया के अंतर्गत है, तो वो होना चाहिए। और यह तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान पे बार बार मंदिर बनाया गया और उसे तोड़ा गया। यहाँ पे ईसा पूर्व की सदी में भी मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं, और सुल्तान महमूद गजनवी ने 1018 के लगभग जब मथुरा की लूट की तो गुप्तकाल का भव्य मंदिर यहाँ भगवान केशवदेव का था, उसे तोड़ डाला। उसके बाद में वहाँ हिंदू लोगों ने फिर मंदिर बनाया और उसे सुल्तान सिकंदर लोदी के टाइम पे तोड़ा गया। उसके बाद में मुगल टाइम में फिर मंदिर बना, और एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि अकबर के टाइम पे जो कुछ मंदिरों को ज़मीन ग्रांट में दी गई है, भूमि दान दिया गया है, उसमें केशव राय के मंदिर का भी उल्लेख है। अकबर के टाइम पे भूमिदान भी मिली है, तो इससे ये पता चलता है कि अकबर के टाइम पे हिंदुओं ने उस जगह फिर मंदिर बना लिया था। तो चूंकि वह श्री कृष्ण जन्म स्थान का प्राचीन स्थान है, वहाँ का शिलालेख है, उसमें पता चलता है कि उसे वासुदेव महास्थान कहा गया है। हिंदू मात्र के लिए और जो वैष्णव धर्म में इनकी आस्था है पूरे विश्व के उन लोगों के लिए, वह सबसे पवित्र स्थान है। उसके बाद में उस पर एक भव्य मंदिर का निर्माण जहांगीर के समय पे उसी मंदिर का जीर्णोद्धार किया ओरछा के महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला जी, उन्होंने एक शानदार मंदिर का निर्माण किया। परंतु औरंगजेब के टाइम पे जब काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा गया, उसी समय सन 1669 के लगभग में एक आदेश जारी किया गया कि ये मंदिर गिरा दिए जाएं, काशी के भी और मथुरा के भी, और उसे गिरा दिया गया, और वहाँ पे जो मस्जिद है वो बना दी गई, वो औरंगजेब के टाइम पे मस्जिद बनी। तो मैं समझता हूँ कि भारत के सभी इतिहासकार इस पूरे विवरण से परिचित हैं, और यह कोई नया मामला नहीं है। तो सभी जानते हैं कि 1669-70 में श्री कृष्ण जन्म स्थान जो केशव राय जी का मंदिर था उसे गिरा करके मस्जिद बनाई गई है, जो आज भी मथुरा में मस्जिद है। बाद में श्री कृष्ण जन्म स्थान के नाम से जिस जगह को अब हम जानते हैं वो बिल्कुल उसी के पास में बनाई गई है, और देश की आज़ादी के बाद में उसका निर्माण किया गया है। अच्छा, तो जो अभी इस वर्तमान समय में जो मंदिर मौजूद है कितने समय पुराना है, कितने साल पुराना है? वो देश की आज़ादी के बाद में वो उसमें मालवीय जी के भी प्रयास थे उस ज़मीन को लेने में, भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी के भी प्रयास थे, और विष्णु हरि डालमिया जी और घनश्याम दास बिड़ला जी और स्वामी अखंडानंद सरस्वती, इन लोगों ने अभियान चला करके वो काफ़ी बाद में करीब 70
के दशक में वो मंदिर का भागवत भवन का पूरा निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है, उससे पहले प्रयास चलते रहे, तो बिल्कुल नया है वो, तो एक प्रतीक रूप में हिंदू लोगों ने उसको, श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ है तो यहाँ कुछ भी स्मृति नहीं थी, मस्जिद को तो हटाना तब संभव भी नहीं था, तो एक प्रतीक रूप में श्री कृष्ण जन्म स्थान की स्थापना वहाँ की गई है और वो आज है जी। और इसमें माना जाता है, कई लोग ये भी कहते हैं जो वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है वो औरंगज़ेब ने यहाँ के मंदिरों को तोड़कर जो पत्थर निकले थे उससे बनाई है, क्या इसमें कितनी सत्यता है? देखिए सर्वे में वो तो सर्वे में वो बात पता चली जाएगी, और यह यहाँ नहीं हुआ, ये सभी जगह हुआ कि मंदिर बहुत भव्य था, वीर सिंह देव बुंदेला ने जो मंदिर बनवाया था वो बहुत भव्य मंदिर था, उसी मंदिर का जो माल मसाला है उसी से उसको थोड़ा सा ठीक करके मस्जिद के निर्माण में निश्चित रूप से ये होता ही रहा है, और ऐसा यहाँ नहीं है, ऐसा जहाँ जहाँ मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं उन सब जगह ऐसा है, ये तो एक सामान्य सी बात है। तो अभी जो हाईकोर्ट ने सर्वे के जो निर्देश दिए हैं उससे आपको क्या लगता है कि क्या इससे कुछ निकल कर आएगा मस्जिद में से, जो शाही ईदगाह में क्या क्या चीज़ें निकल के आ सकती हैं, क्या संभावनाएँ हैं उसमें? देखिए कुछ उसमें शिलालेख भी हैं जो पीछे की तरफ हैं जिनके बारे में बताया जाता है, क्योंकि सामान्य आदमी को बहुत दिन से उसमें जाने की अनुमति भी नहीं है, उस तरह से फोटोग्राफी की अनुमति वहाँ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि सर्वे का हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए, ये न्याय की प्रक्रिया के अंतर्गत है जिससे सत्य सभी लोगों को पता चलेगा। हालांकि इतिहासकार तो सभी जानते हैं, पूरे भारत के इतिहासकार इस प्रकरण से परिचित हैं, उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, पर ठीक है माननीय न्यायालय ने ऐसा कहा है तो हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे लक्ष्मी नारायण तिवारी जी जो कि इतिहासकार हैं, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से करीब 4 बार मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया, और फिलहाल का जो मंदिर हम वर्तमान समय में देख रहे हैं उसमें मदन मोहन मालवीय और आज़ादी के बाद कई लोगों की इसमें योगदान रहा है जिससे कि इतना भव्य मंदिर आज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और जल्द ही जो शाही ईदगाह है वहाँ पर सर्वे की अनुमति हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है और जल्द ही उसकी डेट और सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। सौरभ पाल, न्यूज़ 18, मथुरा।